अक्षय कुमार हमेशा अलग अलग जॉनर की फिल्में कर अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं और वो आने वाले सालों में कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपने फैंस को एक बार फिर से एंटरटेन करने के लिए बुक हैं। और इस लिस्ट में हाउसफुल 4 भी है, जिसमें एक बार फिर से अक्षय अपने फैंस को कॉमेडी करते दिखाई देंगे। और जो ताज़ा खबर सामने आई है उसके मुताबिक हाउसफुल 4 की कहानी कैसी होगी ये रिवील हो चुका है। जी हाँ, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक अक्षय इस फिल्म में महाराज बने नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार 16वीं शताब्दी के महाराज के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। एक तो आज के जमाने का और दूसरा फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, जहां अक्षय महाराजा के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में रितेश देशमुख और बॉबी देओल उनके दरबारी के रोल में दिखाई देंगे, जबकि कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े तीनों ही राजकुमारियों के किरदार में नजर आएंगी। वहीं फिल्म में चंकी पांडे भारत की खोज करने वाले वास्को डिगामा के भतीजे के रोल में दिखेंगे। इस फिल्म के पहले सेगमेंट की शूटिंग लंदन में हुई है और दूसरे की राजस्थान में। वैसे आपको बता दें कि हाउसफुल 4 काफी विवादों के बाद रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म के पहले डायरेक्टर साजिद खान और एक्टर नाना पाटेकर पर मीटू का केस लगा था, जिसके बाद इन दोनों को फिल्म से निकाल दिया गया। और अब हाउसफुल 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी। इससे पहले भी फरहाद ने हाउसफुल सीरीज के फिल्मों का डायरेक्शन साजिद खान के साथ मिलकर किया था। वहीं नाना पाटेकर को निकालने के बाद इस फिल्म में राणा दग्गुबाती को कास्ट किया गया है और फिल्म हाउसफुल 4 26 अक्टूबर 2019 को रिलीज हो रही है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।